प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र से है, जहां दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में घुसकर चाकू के बल पर लूट करने वाले अभियुक्तों का 24 घंटे में खुलासा कर लिया गया है। वहीं डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त कई दिनों से लूट की योजना बना रहे थे। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में एक व्यापारी बंधु है जिनका नाम विष्णु अग्रवाल जी है। उनकी जो दुकान थी, जो उनका ऑफिस था, उसमें तीन लोग अंदर घुसे और उनके साथ उन्होंने उनको चाकू से घायल किया। इस संबंध में हमारी टीम लगा तत्काल मौके पर पहुंची थी और तत्काल ही हम लोगों ने सुराग घुसी पतारसी इसमें करना शुरू कर दिया था। इसमें 5 अभियुक्त हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। चाकू के बल पर लूट की गई थी, जिसका खुलासा किया गया है। कई दिनों से अभियुक्त इस लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि लखनऊ से ये मामला सामने आया है। लखनऊ के हैदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में घुसकर चाकू के बल पर लूट करने वाले अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया है और बड़ा खुलासा किया गया है। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त कई दिनों से लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 24 घंटे के अंदर ही ये बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लखनऊ के हुसैनगंज का ये मामला है, जहां दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में घुसकर चाकू के बल पर लूट के मामले में अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है और ये कई अभियुक्त थे जो कि काफी दिनों से इस वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और कई बड़े खुलासे बहुत ही कम वक्त में उत्तर प्रदेश की पुलिस कर चुकी है। तो वहीं लखनऊ पुलिस के हाथों एक और सफलता लगी है, जहां पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया है और 24 घंटे के अंदर ये खुलासा कर बड़ी उपलब्धता हासिल करी है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर वो भी चाकू की नोक पर लूट करना और 24 घंटे के अंदर ये पुलिस ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है, बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कहेंगे? देखिए शिखा, ये मामला पूरा हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर विष्णु अग्रवाल नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, जो कि अपने ही घर में प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस चलाते हैं। कल दोपहर 3 से 4 बजे की घटना है। यहाँ पर 3 बदमाश, नकाबपोश बदमाश इनके घर में घुस जाते हैं, इनके ऑफिस में घुस जाते हैं। उसके बाद इनसे चाकू दिखाकर इनसे सोने की चेन से लेकर सोने की अंगूठी और तमाम जो रखे हुए सामान होते हैं वो लूट कर फरार हो जाते हैं। और जो शातिर थे, जो 3 बदमाश थे, वो इतने शातिर थे कि उन्होंने नकाब इसलिए लगा रखा था कि सीसीटीवी फुटेज वहां पर किसी भी तरह से पुलिस को प्राप्त ना हो। और कुल मिला के बदमाशों की संख्या 5 थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करके एक बड़ा खुलासा किया है। हुसैनगंज पुलिस और ये सर्विलांस मध्य की टीम है, अपर्णा राज रजत कौशिक हैं, आईपीएस डीसीपी लगती हैं यहाँ की। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। जी जी सागर, इस घटना में कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कितने लोग शामिल थे इस वारदात में? देखिए आपको बता दूं शिखा, इस घटना में कुल मिला के 5 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इन्हें 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया है और 5 आरोपी में से 2 आरोपी जो विष्णु अग्रवाल प्रॉपर्टी डीलर है उसके काफी करीबी माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं और ये काफी दिनों से लूट की डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, और लेकिन कुल मिला के कल इन्होंने दिन दहाड़े दोपहर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने इन्हें 24 घंटे के अंदर पकड़कर एक बड़ा खुलासा किया। जी अगर इन आरोपियों की बात करी जाए सागर, तो क्या ये सभी लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर कोई बाहर का भी है? देखिए आपको बता दूं शिकायत, इसमें से 4 आरोपी जो हैं हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ही हैं और जो पीड़ित था विष्णु अग्रवाल उसके घर के आसपास ही रहते हैं, और जो 1 आरोपी है वो महानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि पुलिस इस पूरी जुगत में लगी है कि इनका पूरा आपराधिक इतिहास ढूंढा जाए। इसमें से एक नसीर नाम का अपराधी था, उसने ही चाकू दिखाया था प्रॉपर्टी डीलर को, चाकू की नोक पर
चाकू के नोक पर छीनते समय प्रॉपर्टी डीलर की उंगलियां भी कटी है उससे, इस आनंद फानन में उसने। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि शिखा, जब बदमाश फरार हो रहे थे तो बदमाशों ने जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको बंधक बना लिया था, उसके मुंह पे टेप लगाकर उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया था ताकि जब तक प्रॉपर्टी डीलर वहां से निकले तब तक पुलिस जो है, पुलिस को सूचना मिले तब तक वो बदमाश वहां से फरार हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़े थे लखनऊ से। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव नानाऊ में अज्ञात युवक का शव नहर में मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अभी एक लाश थी वो नहर में बहती हुई आ रही थी, तो गाँव वाले ने देखा, तो देखने के बाद पुलिस पे फोन किया, तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची है। यहाँ पर लाश किसकी है? अब लाश पे पता नहीं है, वो तो किसकी है, महिला की है? नहीं, आदमी की है। इसकी पहचान हो गई है? नहीं, अभी पहचान नहीं हुई। क्या लग रहा है, कहाँ की है, कहीं से बाहर से आई हुई है? पोस्टमार्टम वगैरह जो कुछ भी होगा पुलिस वाले कराएंगे, उसके बाद पता पड़ेगा। मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एक छात्र द्वारा दो छात्रों को गोली मारने का मामला सामने आया। वहीं इस घटना के बाद से ही आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय का गेट बंद करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी छात्रों ने आरोप लगाया है और कहा कि AMU ने गोली लगने वाले छात्रों को सस्पेंड नहीं किया है, जबकि गोली मारने वाले छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लड़कों में बहुत आक्रोश है कि AMU के दो छात्र जो कि अभी इनरोल स्टूडेंट हैं और उन्हें कल जो है गोलियां लगी है और उनका सस्पेंशन कर दिया गया, और जिस मसले पे सस्पेंशन किया गया है वहाँ वो उनकी मौजूदगी ही नहीं है। जब वो CCTV फुटेज वहाँ की ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद है, और उस CCTV फुटेज में जो विक्टिम है, जो यहाँ का छात्र है, जो 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ सिर्फ कलम पकड़ने आया है, उसे सस्पेंड करके क्रिमिनल बनाया जा रहा है। बाहर के कुछ छात्र आके स्टूडेंटों पर गोली चलाते हैं और जिन्हें स्टूडेंट को गोली लगती है उन्हें सस्पेंड किया जाता है। AMU एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस मुद्दे पर सस्पेंड कर रही है जिस मुद्दे पर वह स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है। AMU के पास CCTV कैमरा है जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पिक्सल का है, जाके उस कैमरे में चेक करें, जो स्टूडेंट अवेलेबल वहाँ पर है ही नहीं, उसको सस्पेंड किस बेस पर किया गया है हमें तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए पहले। अलीगढ़ में शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम को गमगीन माहौल में मनाया। वहीं AMU परिसर से करबला के लिए जुलूस की शुरुआत की गई। इस दौरान शहर के कई रूट डाइवर्ट किए गए, साथ ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। मुहर्रम तो प्रॉफिट के जो ग्रैंडसन थे इमाम हुसैन, उनकी शहादत का मौका है, उनके और उनके ख़ानदान के, प्रॉफिट के पूरे ख़ानदान के। बेसिकली वैल्यूज़ की लड़ाई थी, जिस वैल्यूज़ को इस्लाम ने इस्टेब्लिश किया था उसको बदलने का और उसको पलटने का पूरा जो साजिश थी उसके ख़िलाफ़ प्रॉफिट के ग्रैंडसन ने खड़े हुए थे और एक स्टैंड लिया था। तो बेसिकली उस कुर्बानी को और उन वैल्यूज़ को जिसके लिए वो खड़े हुए थे उसको ज़िंदा रखने का एक ये तरीका है। बिजनौर में मुहर्रम की नवी तारीख को कदीमी जुलूस मोहल्ला काजीपाड़ा से निकालकर मोहल्ला बुखारा में स्थित इमामबाड़ा पहुंचा। वही मौलाना अहमद अब्बास नईमान हुसैन को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत इंसान के लिए एक नमूनाए अलम है और इमाम हुसैन उस इंसान के लिए आदर्श है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने का हौसला रखता है। खबर फरीदाबाद के बलमगढ़ के सोहना रोड से है, जहां गड्ढे में नदी के फंसने की सूचना पर लोगों ने भारी रोष देखने को मिला है। जहां
नंदी के फंसने की सूचना पर काफी आक्रोशित नजर आए लोग। जहां एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च कर गौशालाएं खोल रही है, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही भी साफ देखने को मिल रही है। जब फंसे हुए गौवंश को निकालने नगर निगम पहुंची, तो वहीं नंदी के फंसने की सूचना गौ सेवा धाम चिकित्सालय को लगी, जिसके बाद टीम के सभी सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर नंदी को कई घंटे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। टीम गोवन से और हम चिकित्सालय बल्लभगढ़ से, हमारे पास कॉल आई थी सेक्टर 25 ये पानी का बूस्टर जो बना हुआ है रोड के सहारे, यहाँ से कॉल आई थी करीब अब से 3 घंटे पहले। तो यहाँ पर एक बूस्टर में नंदी महाराज गिर गए, हमने पूरी टीम हमारी आई, हमने यहाँ पर आकर देखा बूस्टर ऊपर से टूटा हुआ है पूरा, 3-4 जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत ही बड़े बड़े खुदे हुए हैं, खराब हुआ पड़ा है, पूरी छत गिरी हुई है। उस गड्ढे में अंदर कम से कम 15 फुट नीचे पानी भरा हुआ और वहाँ पर नंदी महाराज गिर गए। हमारी पूरी टीम ने मिलकर करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद नंदी महाराज को बूस्टर से बाहर निकाल दिया। जहां एक तरफ तिरंगे के सम्मान में यात्राओं और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं वल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में जहां तिरंगा फहराया जाता है, वहां प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। कारण है वहां मौजूद गंदगी के बड़े बड़े ढेर, जिससे वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब ज्वाइंट कमिश्नर्स ने वहां का दौरा किया, तो वहां फैली गंदगी देखकर नगर निगम को संज्ञान दिया, साथ ही जल्द से जल्द कूड़े के ढेर को हटाने को भी कहा। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, आज सुबह सुबह ही मैंने उस जगह का राउंड लिया है, जो कूड़ा पहले फैला हुआ था अब उसको समेट दिया गया है। उसके बाद जो कंसर्न एक्शन को और सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसको मैसेज दे दिया गया है, और ये बात माननीय कमिश्नर साहब से भी डिस्कस हो चुकी है जी। और इसमें हम जो है स्वतंत्रता दिवस है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे इस कूड़े की वजह से। 15 अगस्त का आने वाला है, आज़ादी का यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है दशहरा मैदान में, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मोदी जी ने तो कहा था स्वच्छ भारत बनाएंगे, पर ये स्वच्छ भारत जी देख लीजिए, शहर का जाना माना मैदान ही गंदा, शहर है जिसमें दशहरा मैदान है जहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, 26 जनवरी सामने सिटी पार्क है जो लोग वगैरह घूमते भी हैं, उसके ठीक सामने कचरा पड़ा हुआ है। वैसे तिरंगा लगाने के आदेश दिए हैं सरकार ने, निर्देश दिए हैं, लोगों से आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए और यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा 15 अगस्त पर, और यहीं पर गंदगी के ढेर देख लीजिए, स्वच्छ भारत है जी बीजेपी सरकार की। अयोध्या में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आजादी में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। दरअसल भाजपा की राह पर चलती हुई समाजवादी पार्टी भी देशभक्ति दिखाते हुए 9 अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर घर घर झंडा लगाने की आज शुरुआत कर रही है। वहीं सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने शहर के रोहिणी कॉलोनी से घर घर झंडा लगाने की आज शुरुआत की। साथ ही पवन पांडे ने कहा कि आज क्रांति दिवस 9 अगस्त से अभियान शुरू होकर 15 अगस्त तक घर घर झंडा फहराया जाएगा। 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है, क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज समाजवादी तिरंगे को घर घर लगवाने के अभियान की शुरुआत की है। तिरंगा घर घर लगेगा और 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में माफी मांगा, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, आज वो असली देशभक्त बनने का ड्रामा करते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने डॉक्टर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर अशफाक उल्लाह खां से लेकर पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर लोहिया से लेकर एक बड़ी परंपरा है इस देश के लिए लोगों को लड़ने वाले शहीद होने वालों की, और उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए देखिए हम दिखावे के लिए तिरंगा नहीं लगते। खबर बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां दूध से एक भरे कंटेनर की एक कार से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही टैंकर को कब्जे में लेकर पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, एक मोबाइल वाजा तो हुई है और एक बात मेरठ जाते थे। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में। गाड़ी कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग थे। एक घायल भी है? एक घायल हुआ, एडमिट है,
वो की रहता है। अच्छा, कहाँ से कहाँ रहे? ये बिजनौर से घर जा रहे थे चांदना जी मोहनपुर। खबर औरैया जिले से है, जहां देश की आजादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले शहीद युवा मुकंदी लाल को याद किया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले औरैया के युवा क्रांतिकारी मुकुंदी लाल ने आज ही के दिन काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है और डीएम ने सभी लोगों से अपील की है कि सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हों। हम सभी अधिकारी, पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक गण अपने क्रांतिवीर श्री मुकुंदी लाल गुप्त जी के शहादत को याद करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें इन्होंने चंद्रशेखर आजाद इत्यादि के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी अपनी, और किंवदंती यह है जो बताते हैं लोग कि वो बॉक्स जो लूटा गया था उन्होंने अपने कंधे पर 8 किलोमीटर तक उसको ले गए थे। ऐसे वीर सपूत को याद करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है प्रशासनिक अधिकारी की, बड़ी बात है, और आप लोग भी इसमें सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी झंडा रोहण कार्यक्रम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी का क्रांति दिवस मना रही है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज की तरवा तहसील के झौवा में गांव के सभी लोगों को राष्ट्र ध्वज देकर पार्टी के घर घर तिरंगा फहराने का अभियान शुरुआत करी। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में है, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। हमीरपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत जिला अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने अगुवाई करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों पुलिस कर्मियों सहित आम जनता के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये यात्रा लक्ष्मीबाई चौराहे से शुरू होकर अम्बेडकर पार्क में समाप्त हुई। साल तिरंगा यात्रा निकाली और ये संदेश दिया कि आज़ादी का सप्ताह जो कि 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलना है, उसको पूरे नगर के लोग ही नहीं, पूरे जिले के लोग पूरे उत्साह से मनाने। तिरंगा यात्रा हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर रास्ते में निकाली, इसमें काफ़ी बाजार भी थी, आबादी भी थी, और लोगों ने भी इसमें काफ़ी अपना सहयोग किया। लोगों ने जुड़े, लोगों ने कोशिश किया कि वो इस संदेश को ग्रहण करें। किसी भी दुकान पर कोई बैठा था। मैनपुरी जनपद के जागीर ब्लॉक क्षेत्र के तारापुर में कृषि विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किसानों से वार्ता की गई। साथ ही किसानों की समस्त समस्या को सुना और आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए किसानों को तिरंगा लगाने को लेकर जानकारी दी गई। वहीं कृषि उप निर्देशक
दुर्विजय सिंह ने किसान को कृषि यंत्रों की सब्सिडी की जानकारी भी दी। इस अवसर पर जगदीश एडीओ मान सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारा 75वां साल चल रहा है जी और उसी के तहत भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक जो हम लोग हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हम किसान भाइयों से बातचीत करके और जो ये 75 साल में हम लोग आज़ादी के बाद जो देश ने तरक्की की है और विभिन्न प्रकार की खेती बाड़ी में भी तरक्की हुई है, इन सबके बारे में चर्चा हो रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं